Hello friends, good evening. Welcome to our channel Always Scholars. Today we will start a new chapter in mathematics, and today we will start with similarities of triangle, and today is lecture number 1 of this chapter. तो एक्चुअली क्या है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने की वजह यह है कि इसके पहले वाला जो चैप्टर था वो मेरे ट्राइंगल्स ही था. तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स आपका क्लास 10 के लिए है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10. और ये आपका रिलेटेड है ट्राइंगल्स के साथ, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वाला चैप्टर आप ट्राइंगल्स कर चुके हैं. तो उस ट्राइंगल्स आप रिलेट करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली आपको अभी सब कुछ पता है ट्राइंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के थ्योरम्स पता है, ट्राइंगल्स के एक्सियोम्स पता है, तो आपको क्या होगा, बहुत इजी होगा इस चैप्टर को समझना. इसलिए हम क्या किए कि उसके बाद आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स लेके आए. ओके, तो इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर है बेस्ड है सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स पे. ठीक है, इससे पहले वाला जो चैप्टर आप पढ़े थे कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो आपका कॉन्ग्रुएंसी पे डिपेंडेंट था, यानी कि आपका एक ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये चीज आपको बता रहा था, वो चीज आपको डिफाइन कर रहा था. ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, और आपका बेसिक चीज तो आप लोगों को मालूम ही है कि आपका कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के. ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल अगर हम रिपीट करें, ट्रायंगल क्या है, आपका थ्री साइड्स से बाउंडेड एक शेप है, थ्री साइड से बाउंडेड एक शेप होता है, एंड इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं. और इस ट्रायंगल्स के आपके तीन क्या रहते हैं, एंगल्स भी रहते हैं, तीन एंगल्स रहते हैं, तीन वर्टेक्स रहते हैं, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया. यानी अगर इसको ए बी एंड सी अगर नेमिंग करते हैं तो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, उसी तरीके से एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी वी विल से. एंड वन मोर थिंग, दैट इज इसमें क्या होता है, थ्री आपके कितने होते हैं, साइड्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे. ध्यान रखिएगा तीन साइड से बाउंडेड बाउंडेड आपका एरिया, अगर ये बाउंडेड ना हो तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा. ठीक है, तो आपका इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे. टाइप्स आप ऑलरेडी जानते हैं, टाइप्स क्या क्या होता है, अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो आपके तीन टाइप्स आते हैं, एक होता है स्केलन ट्रायंगल, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड आपका आपका नेक्स्ट आपको क्या हो जाता है, आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके, तो स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों साइड क्या रहता है, आपका अनइक्वल रहता है, यानी कि थ्री साइड अगर ट्रायंगल विल बी अनइक्वल देन वी विल से दैट इट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल. एंड सेकंड वन इज व्हाट, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल, यानी कि सिर्फ दो ही साइड आपका इक्वल रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हम उसको हम बोलेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल. अगर दो साइड, आपको ये भी थ्योरम पता है कि अगर दो साइड इक्वल रहेगा तो क्या होता है, आपके दो एंगल्स भी क्या होते हैं, उस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें क्या होता है, आपके तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. और हमेशा याद रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमेशा जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो तीनों एंगल्स कितना का रहता है, 60 डिग्री का ही होता है, क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री. और जब उसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे, तो उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे आपका आता 60, यानी कि आपका एक एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री का हो गया. तो ये सारी चीज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे, इसमें भी स्टार्टिंग में एक्चुअली पढ़ना जरूरी था, बट ऑलरेडी आप लोग ट्रायंगल्स में कवर कर चुके हैं, तो हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिए ब्रीफली कि आपको बस रिमाइंड आ जाए कि है क्या क्या. उसके बाद आपका एंगल्स के बेसिस पे जब हम ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं तो क्या क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड आपका राइट एंगल ट्रायंगल, एंड आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. यानी कि आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल में आपके तीनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स रहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, 0 से 90 डिग्री से कम अगर आपके एंगल्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. उसके बाद जो सेकेंड है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि कोई भी एक एंगल क्या होगा ट्रायंगल का, 90 डिग्री का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. आफ्टर दैट एक और ट्रायंगल आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री से ऊपर होगा, यानी कि प्लस 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ओके, तो ये क्या था, ये आपके टाइप्स थे आपके किसके, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के. और अभी हम तो थोड़े पहले बता ही चुके साइड के बेसिस पे भी, ठीक है, स्केलन हो गया, इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलस. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिमिलरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है. एक्चुअली तो होता क्या है, आप लोग सभी जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कि मेरा क्या होना चाहिए, आपके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या होना चाहिए, किसी दूसरे ट्रायंगल के
चाहिए, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स की इक्वल होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये साइड या फिर इसके साथ हो, ये साइड आपका इसके साथ हो और ये साइड आपका इसके साथ हो, इक्वल हो, पूरी तरह से इक्वल, यानी कि इतना इक्वल होना चाहिए कि अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया जाए तो आपके नीचे वाले ट्रायंगल नहीं देख पाएंगे, यानी कि आपको बिल्कुल एक ही ट्रायंगल लगेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, फिगर विच हैड एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, यानी कि कोई भी आपके दो ट्रायंगल्स, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस कॉन्ग्रुएंट के बारे में बता रहे। तो कॉन्ग्रुएंसी किसमें होता है, आपके ट्रायंगल्स में होता है। तो ट्रायंगल्स में क्या होता है, जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्ग्रुएंट मतलब मेरा तीनों साइड एंड तीनों एंगल्स क्या हो, कॉमन हो, यानी कि सेम हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। और इसका आपका जो सिंबल होता है ये आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं पहले से। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपका सिमिलर ट्रायंगल का, फिगर्स विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, सेम क्या हो, शेप आपका सेम हो, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर सेड टू बी सिमिलर, यानी कि कोई भी ऐसा दो ट्रायंगल जिसका आपका शेप तो आपका सेम हो पर ये जरूरी नहीं कि उसका आपका साइज भी सेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। जैसे कि ये और सपोज ये, यानी कि आपका शेप क्या होना चाहिए, पूरी तरह से सेम होना चाहिए। अगर शेप चेंज रहता है तो आपको सिमिलर नहीं कहलाता, यानी कि अगर आपको सिमिलर बताना है किसी भी चीज को नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो सिमिलर आपको किसी भी चीज में आ सकता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हम यहाँ मेनली फोकस करें जिसके ऊपर, ट्रायंगल्स के ऊपर, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को ही पढ़ेंगे। तो सपोज क्या है, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल में सपोज ये एंगल जो है ये आपका 40 डिग्री का हो गया, ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री का। उसी तरीके से ये एंगल 40 डिग्री का हुआ, ये एंगल 60 डिग्री का हुआ और ये एंगल कितना हुआ, 80 डिग्री का हो गया। और सपोज ये मेरा एक इक्विलेटरी ट्रायंगल है, हम इसको सपोज ये मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, या आपका 6 सेंटीमीटर, या आपका 7 सेंटीमीटर का आपके साइड से, उसी तरीके से यहाँ पे आपका मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, या आपका 10 सेंटीमीटर और ये आपका 11 सेंटीमीटर का क्या है आपके साइड से। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, तो जी हाँ बिल्कुल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि इसके क्या है, शेप आपका बिल्कुल सेम है, शेप क्या है, बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री का है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका 80 डिग्री का तो ये भी आपका क्या है, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आपका दूसरा क्या है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं आपके क्या है, साइड्स आपके सिमिलर नहीं है, साइड सिमिलर नहीं हुआ तो क्या हुआ, बट ये भी तो मेरा एक ट्रायंगल है और ये भी मेरा एक ट्रायंगल है और दोनों का एंगल सेम होने की वजह से शेप भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा, लेकिन हाँ साइज सेम नहीं हो रहा क्योंकि ये साइज छोटा है, ये साइज क्या है, बड़ा है। तो सिमिलर में तो यही बोला गया डेफिनेशन में कि मेरा एग्जैक्टली सेम शेप का होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि सेम साइज का हो, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज, अगर साइज भी सेम है तो इट्स ओके, ठीक है, साइज भी सेम है तो भी हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन अगर साइज और शेप दोनों में से कोई भी चीज सेम नहीं है तो हम उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। सिर्फ अगर शेप आपका सेम है और साइज सेम ना तो भी हम उसको सिमिलर बोलेंगे, लेकिन अगर आपका शेप आपका क्या है अलग है और साइज सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यानी कि सिमिलरिटीज हमको देखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों का शेप क्या हो, एकदम इक्वल हो, सेम हो, आपका डिपेंड नहीं करता है कि साइज कैसा भी हो, छोटा बड़ा बड़ा कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है मेरा सिमिलर है। और सिमिलर को डिनोट करने के लिए जो सिंबल का यूज किया जाता है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, इक्वल टू का साइन देते हैं, उसके ऊपर आपको इस तरह का साइन लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है। और जो सिमिलर ट्रायंगल्स है उसमें क्या होता है, जस्ट आपका एक आपका इस तरीके का साइन लगता है, यानी कि आप इक्वल टू को हटा दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल टू एक्स्ट्रा लगता है, इसको हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, सिमिलर का आपका क्या बन जाएगा, सिंबल बन जाएगा। यानी कि आप समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि सिमिलर एक्चुअली सिमिलरिटी क्या होता है, अगर हम ट्रायंगल से हट के बात करें, यानी कि ट्रायंगल की बात ना करके सिर्फ सिमिलर चीज सिमिलर वर्ड के बारे में बात करें, तो सिमिलर मतलब क्या होता है,
सिमिलर मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, सपोज अगर आप यहाँ पे क्या बना रहे, आप यहाँ पे क्या बना रहे, एक हट बना दी, ठीक है, ड्रॉइंग ऐसी है, ठीक है, तो एक हट बना दी और सामने भी क्या है आपके पास एक हट है, ठीक है, और वो भी सिमिलर है, यानी कि सेम साइज, साइज आपका बड़ा है ठीक है, लेकिन आपका शेप क्या है दोनों में सेम है, तो हमको दिख रहा है ये छोटा है, हमको दिख रहा है ये क्या है बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है सेम है, तो हम क्या बोलेंगे दोनों ही हट क्या है आपस में सेम है, यानी कि सिमिलर है, साइज मैटर ही नहीं करता, साइज मैटर ही नहीं करता। उसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर सर्किल बनाते हैं और एक बड़ा सर्किल बनाते हैं तो क्या होगा आपस में क्या ये सिमिलर है, तो जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन अगर आप पूछे क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों सर्किल बिल्कुल नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा है और एक आपका छोटा है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी क्या है, मेरे पास दोनों चीज जरूरी होता है कॉन्ग्रुएंट के लिए, एक होता है शेप दूसरा साइज, यानी कि पूरी तरह से आपका फिट होना चाहिए, इस ट्रायंगल को एक इस सर्किल को इसके ऊपर अगर रखते हैं तो वो नीचे वाला सर्किल दिखना नहीं चाहिए, और इस सर्किल को अगर आप इसके ऊपर रखने चाहिए तो भी आपका नीचे वाला सर्किल दिखना नहीं चाहिए, पर इस केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसीलिए क्या है ये दोनों आपस में हम बोलेंगे सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है आपका अलग अलग है, सपोज यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं एक स्क्वायर ले रहे हैं और इस स्क्वायर में जो साइड है ये मेरा 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा हम क्या लिए ये भी एक स्क्वायर लिए और इसमें भी साइड क्या है 2 सेंटीमीटर का, तो हम बोलेंगे क्या ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल है कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का ही क्या है शेप और साइज दोनों सिमिलर है, दोनों ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, और क्या और दोनों का आपका साइज भी क्या है सेम है, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर का है ये भी 2 सेंटीमीटर का, लेकिन अगर हम पूछे कि क्या ये दोनों स्क्वायर आपस में सिमिलर है तो हम क्या बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर है, क्यों क्योंकि दोनों का शेप तो आपका सिमिलर है, साइज से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सिमिलर के केस में हम साइज देखते ही है, साइज सेम हो साइज सेम नहीं हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का शेप क्या है आपका इक्वल होना चाहिए, ये भी आपका स्क्वायर होना चाहिए ये भी स्क्वायर होना चाहिए, तो आपस में क्या है सिमिलर है, यानी कि ये मेरा दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है और दोनों सिमिलर भी है, तो आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि कोई भी आपका दो शेप होता है अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो श्योर है कि सिमिलर होगा, लेकिन अगर आपस में सिमिलर है तो ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है कि दोनों चीज आपका होना चाहिए, सपोज अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और आपस में एक स्क्वायर बनाते हैं और इस ट्रायंगल का भी 2 सेंटीमीटर साइड है तो और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि तीनों साइड इक्वल है और ये स्क्वायर का भी 2 सेंटीमीटर साइड रहता है यानी कि चारों साइड क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, क्या ये दोनों शेप आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में साइज और शेप दोनों देखते हैं, इसमें ना साइज सेम है और ना ही शेप, दूसरा चीज क्या ये दोनों सिमिलर है, बिल्कुल नहीं सिमिलर क्यों नहीं है क्योंकि दोनों का शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर शेप भी क्या अलग अलग, एक ट्रायंगल है और एक आपका स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर चाहे उसका आपका 2 सेंटीमीटर का ही क्यों ना हो ये आपस में कभी भी सिमिलर नहीं कहलाएंगे क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है, तो आपको क्या चाहिए आपको सिमिलर शेप का चाहिए, वही अगर आप 2 ट्रायंगल ही बना दीजिए ये आपका 2 का है और ये आपका 5 सेंटीमीटर का है तो क्या है भले ही दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन दोनों सिमिलर होंगे, दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों का शेप देखेंगे हम साइज को बिल्कुल नहीं देखेंगे, ओके तो ये डिफरेंस हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट में और आपका सिमिलैरिटीज में। एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट फिगर में भी कॉन्ग्रुएंट फिगर मस्ट बी सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर लिखते हैं आर कन्फर्मली सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट फिगर आपस में क्या है कन्फर्मली सिमिलर है बट बट सिमिलर फिगर
congruent or not? May be congruent or not, okay? यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो भी congruent figure है, congruent figure का मतलब क्या? Shape भी same होगा, size भी same होगा, तो shape तो आ ही जा रहा है ना, और similarity को किससे मतलब है? सिर्फ shape से मतलब है। तो हम क्या बोलेंगे? Congruent figure जो है, वो आपका definitely क्या रहेगा? आपका similar रहेगा, but आपका similar figure जो भी होता है, वो जरूरी नहीं है कि क्या होगा? आपका congruent होगा ही, ठीक है? यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ये दो चीज आपका क्लियर हुआ कि congruent और सिमिलर में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, और ट्रायंगल की सिमिलरिटी आपको किसको बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है, इन सम केसेस, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि वी कैन इजीली नोटिस दैट टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर नॉट सिमिलर। किसी किसी आपका ज्योमेट्रिकल फिगर में क्या पता चलता है? देख कर ही पता चलेगा कि वो दोनों फिगर क्या है, आपस में congruent नहीं है, ठीक है? congruent और आपका सॉरी नॉट सिमिलर, यानी कि किसी किसी केस में आपको देख के क्या समझ में आ गया कि दो फिगर आपस में क्या नहीं है, दो फिगर आपस में आपका सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो देख के ही मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों शेप आपस में क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है? इन अ ट्रायंगल एंड ए रेक्टेंगल कैन नेवर बी सिमिलर, वही चीज बोला जा रहा है। एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल कभी भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर नहीं होंगे। ये हम देखकर ही बता सकते हैं, हमें मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। इन केस वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स, दे मे बी अपीयर टू बी सिमिलर, बट एक्चुअली टू ट्रायंगल्स दे मे अपीयर टू बी सिमिलर बट एक्चुअली दे मे नॉट बी सिमिलर। सो वी नीड सम क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज ऑफ टू ज्योमेट्रिक फिगर। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपका किसी किसी शेप को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपस में सिमिलर बिल्कुल नहीं है, ठीक है? लेकिन किसी किसी केस में होता है कि आपको देखने में तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये सिमिलर है बट एक्चुअली में नहीं रहता है, ठीक है? किसी किसी, सपोज आपका दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है? दो ट्रायंगल आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? तो आप कैसे पता करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है? कैसे पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? तो कभी कभी देखने के बाद भी ऐसा पता नहीं चल पाता है कि ये मेरा सिमिलर है कि नहीं। इन सम केसेस वी आर गिवन टू ट्रायंगल, दे मे अपीयर सिमिलर। ये दोनों लग तो रहा है ना सिमिलर है, देखिए दोनों ट्रायंगल है, दोनों देखने में तो लग ही रहा है ट्रायंगल, मतलब आपका सिमिलर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है? अपीयर टू बी सिमिलर बट एक्चुअली दे मे नॉट बी सिमिलर। एक्चुअली में क्या हो, ये दोनों सिमिलर नहीं भी हो सकता है। सो इसीलिए इसको डिटरमाइन करने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। क्या किया गया है? कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है, सम क्राइटेरिया टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करने के लिए दोनों शेप जो है, ये जो बनाया गया है, ये आपस में सिमिलर है कि नहीं। ये जो दोनों शेप बनाया गया है, ये आपस में सिमिलर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एंगल है ये आपका 50 डिग्री का है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एंगल है ये आपका 60 डिग्री का है। तो आपका बच क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका बच रहा है कितना, 50 और 60, 110, मतलब 70 डिग्री, ठीक है? तो ये एंगल कितना, 70 हो गया। वही अगर आपको यहाँ पे बना रहे हैं, ये मेरा 45 का एंगल, ठीक है? ये मेरा 65 का एंगल, ठीक है? 45, 65, और ये मेरा 70 का एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल को आप जब बना के देखेंगे आपस में, तो दोनों क्या लगेगा, आपको सिमिलर लगेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम एंगल्स का, लेकिन है तो आपका डिफरेंस तो है ना, तो आपको देखने में सिमिलर चले जरूर लगेगा दोनों। वे अगर ये हम ट्रायंगल ए दे देते हैं और ये ट्रायंगल बी दे देते हैं, तो क्या आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ए जो ट्रायंगल है क्या सिमिलर है आपका बी का और नॉट, क्या ये सिमिलर है बी ट्रायंगल का और नॉट? तो हम क्या बोलेंगे, देख के तो लग रहा है कि मेरा क्या सिमिलर है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं बता सकते सिमिलर, हमको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों मेरे आपस में क्या सिमिलर है। तो इसके लिए क्या किया गया है, कुछ क्राइटेरिया। अब आपने अपने से तो नहीं प्रूफ कर सकते हैं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम खुद से देख के समझ जाए कि ये मेरा सिमिलर है कि नहीं है। तो क्या किया गया है, कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, सब क्राइटेरिया दिया गया है, जिसको देख के, जिसको जिस थ्योरम्स को देख के, जिस आपका एग्जाम्स को देख के, आपको कुछ एग्जाम्स एक्चुअली, तो ये क्राइटेरिया, ये एग्जाम्स को देख के आपको पता चलेगा कि आप पता कर पाएंगे कि ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आपको पता करने के लिए क्या दिया है, कुछ क्राइटेरिया दिया है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम्स है जो मेरा ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करता है, यानी कि ये बता पाएगा कि ये सिमिलर है कि नहीं,
ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, आप यहाँ पे सिंबल ध्यान रखिए, सिंबल सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, सिंबल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका सिंबल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है, ये आपका एक इक्वल टू रहता है उसके ऊपर, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है और ये आपका सिमिलरिटीज का। तो अभी जो हम ये यूज करने वाले हैं वो हम इसी सिंबल को यूज करने वाले हैं आगे के लिए, ठीक है। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं आपका सिमिलरिटीज का, मतलब इस तरीके से ही हम सिंबल डाल के लिखते हैं आगे जाके, मतलब क्वेश्चन में इसी के ऊपर करेंगे। तो ये आप भूलिएगा मत कि इस ये आप कॉपी में कहीं बना लीजिए, ये आपका क्या है सिंबल, ओके। सो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हम सबसे पहले रूल्स क्राइटेरिया या फिर उसको एग्जाम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर सिमिलरिटीज और ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है मेरा AA, यानी कि एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें इफ द दो एंगल है ना, एंगल एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, इफ द टू एंगल्स, इफ द टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, इफ द टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू two angles of other triangle, is called two angles of इस rule में बस क्या बोला जाता है ना कि कोई भी आपका triangle हो, suppose हम यहाँ पे triangle को draw करते हैं, ये मेरा एक triangle है और यहाँ पे ये वाला मेरा एक triangle, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कोई भी दो एंगल आपका क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सपोज ये मेरा क्या है, ए बी सी एंगल है और ये मेरा पी क्यू आर एंगल है। सपोज जो ए एंगल है ना ये मेरा पी के इक्वल है और ये बी एंगल है ना ये मेरा क्यू का इक्वल है। सी के लिए हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज कॉमन सेंस लगाइए कि कभी भी ट्राइंगल का तो आपको पता ही है कि जब तीनों एंगल को ऐड करते तो क्या आता है, मेरा 180 डिग्री का आता है। तो अगर मेरा कोई भी दो एंगल कॉमन हो जाएगा तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 60 है और ये 60 है तो ये क्या हो गया 120। तो बच क्या रहा है इसके लिए आपका, कितना आपको कितना बच गया, तो आपका 60 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपका ये से ये आपका इक्वल है तो ये आपका 60 होगा, फिर ये भी आपका 60 होगा, तो क्या होगा, तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा आपका, जो भी बचेगा वो भी तो आपका इक्वल ही होगा। यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर लेते हैं और उसका कोई दो एंगल आपस में कॉमन होता है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉमन ही होगा। तो फिर मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा तो सिमिलरिटीज में ही आ रहा है, ठीक है। और आपका जो साइड है इससे तो कोई मतलब नहीं है, साइड से तो कोई मतलब नहीं, एंगल से मतलब है बस मुझे, आपका साइड से तो कोई मतलब नहीं है सिमिलरिटीज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल क्यू का हो गया, ठीक है। तो जब दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में क्या है आपका एंगल कॉमन है तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल जो है ए बी सी ये आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल कॉल्ड एंगल एंगल, यानी कि ए ए, दिस विल कॉल्ड ए ए यानी कि एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप सिमिलरिटी का साइन दे रहे हैं तो हम ये वाला दिए, ठीक है, एक बार फिर से डिफाइन करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट रूल, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का आ गया, ओके। एक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन फर्दर मूव ऑन नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, एस ए एस, ठीक है, एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी।
तो ये क्या होता है एक्चुअली ऐसे ऐसे आपको क्या पता चल रहा है, ये मेरा क्या है साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड रूल है, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल ऑफ आपका सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वी विल राइट हियर, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ एनदर ट्राइंगल इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ एनदर ट्राइंगल इंक्लूडिंग एंड द टू साइड्स ऑफ ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल्स इंक्लूडिंग एंगल आर प्रोपोर्शनल इज सेट टू बी इट इज सेड टू बी सिमिलर। ओके एक्चुअली क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ रहा है, इफ वन एंगल यानी कि कोई भी एक एंगल, हमको पता है बीच में एक एंगल दिया हुआ तो एक ही एंगल होगा और दो साइड होगा, तो इफ वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल्स इंक्लूडिंग एंगल आर प्रोपोर्शनल इज सेड टू बी क्या होगा सिमिलर। सपोज क्या होगा, आप यहाँ पे ट्रायंगल बना रहे हैं, ये आपका क्या है दो ट्रायंगल है, ये मेरा क्या है ए, ये मेरा क्या है बी और ये मेरा क्या है सी, उसी तरीके से ये पी ये क्यू और ये आर, ठीक है। तो एंगल क्या क्या सिमिलर है आपका, मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल ए और एंगल पी क्या है आपस में सिमिलर है यानी कि इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हो रहा ना कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है एंगल पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए बी आपका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए बी जो एंगल ये फिर पी क्यू का, ठीक है, एंड आपस में क्या प्रोपोर्शनल है ना, एंड ए सी क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय पी आर, तो आपस में प्रोपोर्शनल, ए बी आपका प्रोपोर्शनल है किसके साथ पी क्यू के साथ और ए सी आपका पी आर से क्या है आपका प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोलेंगे हम जब मेरा इस तरह कंडीशन होगा तब देयरफॉर वी विल से दैट ट्रायंगल जो है ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी जो है ये मेरा पी क्यू आर की क्या है सिमिलर है, और यहाँ पे हम रीजन क्या दे सकते हैं, दिस विल कॉल्ड एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, दिस विल कॉल्ड एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी, तो हम इसको बोलेंगे, ठीक है, ये मेरा क्या है सेकेंड नंबर का, ठीक है, ये मेरा सेकेंड नंबर है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट वन, एक क्यूब इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे यानी कि ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, तब तो ये मेरे प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा प्रूफ होगा। ओके तो दिस इज द एस ए एस रूल ऑफ सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्या है रूल, नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्या है, एस 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि साइड 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 रूल ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या है ना, इसका डेफिनेशन है इफ थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल टू इफ थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल टू थ्री
इक्वल टू नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू द अदर टू द थ्री साइड ऑफ अदर ट्राइंगल एंड अदर ट्राइंगल, ठीक है, टू द थ्री साइड ऑफ एनदर ट्राइंगल then the triangles are क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, then the triangles are similar, okay? Suppose हम यहां पर क्या बना रहे, ये मेरा एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल मेरा ये है, ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल है, ये मेरा पी क्यू आर ट्राइंगल है, ओके, पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आपका इन दोनों ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल में क्या होगा, आपके थ्री साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए थ्री साइड के, यानी कि जैसे कि ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा पी क्यू, will be equal to BC divided by क्या होगा QR, will be equal to AC divided by क्या हो जाएगा PR, तो जब ये आपका क्या होगा आपस में proportional हो गया यानी कि equal हो गया, actually क्या होता है ना ऐसे इसलिए लिखते हैं, आपका AB आपका equal नहीं कर सकते PQ का, क्योंकि ये साइज का भी इक्वल नहीं है मेरा, ये बड़ा है ये मेरा छोटा है, ये तो मेरे को देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन उसका जो प्रोपोर्शनल होता है ना प्रोपोर्शनलिटी वो मेरा क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यानी कट के मेरे को जितना भी आएगा मान लीजिए कितना भी है कट के मुझे इक्वल ही आना चाहिए, तब मेरे को कितना मिलेगा, तब मेरा ये क्या होगा सिमिलर ट्राइंगल होगा, ठीक है, देयरफॉर व्हाट विल से ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये आपस में आपका क्या है सिमिलर है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की क्या है सिमिलर है, विल से दैट दिस इज कॉल्ड व्हाट दिस विल कॉल्ड एस 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 rule of similarity, ठीक है, इसको बोलेंगे SSS rule of similarity, okay? So this is the third rule of the similarity of triangles and this is the last one, okay? ये आपका last था, इससे ज्यादा आपके और rules नहीं है, okay? Next क्या है, we will see theorem number 1, this is very very important theorem, इस theorem का जो नाम है उसको हम बोलते हैं basic proportionality theorem या फिर इसको बोल सकते हैं Thales theorem, okay? And this is very important theorem और exam में 90% chances रहता है ये आएगा ही आएगा, okay? तो सबसे पहले क्या है, actually ये favorite questions में से एक होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका suppose क्या है एक triangle है, तो सबसे पहले तो हम ये triangle बनाए हैं और अब हम इसके क्या पढ़ते हैं, इसमें एक्चुअली बोला क्या गया है इस थ्योरम में वो हम देखते हैं, क्या बोला गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, एक्चुअली क्या बोला जा रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका नेमिंग देंगे तो ए बी और सी इस तरह से हम नेम दे देते हैं, आफ्टर दैट इसमें क्या बोला है कोई भी एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल आपके किसके आपके ट्राइंगल का एक साइड से पैरेलल मतलब इस साइड का क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे डी और इसको हम यहाँ पे ई नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है जो कि मेरा क्या है किसके पैरेलल होगा बीसी पैरेलल होगा आपके डीई के, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन और इस तरीके से ड्रॉ करना है कि मेरा क्या हो दो आपके जो साइड हो या आपके अदर टू साइड क्या हो आपको कट करे डिवाइड करे उसको इन द सेम रेशियो में डिवाइड करे और ये चीज शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी which intersect, which divide AB
एंड ए सी एट डी एंड ई पॉइंट एंड ठीक है, यानी कि क्या बोला जा रहा है, ए बी आपका यहां से आपका सॉल्यूशन थ्रू है, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है जैसा कि आप देख रहे हैं, और डी हम पैरेलल बनाए किसके, बीसी के पैरेलल बनाए हैं, और इस तरीके से बनाए हैं कि ए बी और ए सी को डी और ई पी क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू टू प्रूफ, हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, टू प्रूफ हमको प्रूफ क्या करना है कि ये मेरा सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है। यही चीज मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले प्रोसीड में हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि जो मेरा एंगल है ए डी ई विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, और इसके हम कैसे सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों ट्राइंगल में यानी कि एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा वाला ट्राइंगल में क्या हो रहा है ना, कि मेरा जो एंगल है ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी ई। रीजन हम क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हमको पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन में एक अगर ट्रांसवर्सल कट करता है तो क्या होता है, पैरेलल आपके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एज वी ऑल नो कि बी सी जो है ये मेरा पैरेलल है डी ई के, ठीक है, डी ई के क्या है, पैरेलल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए सी बी विल बी एंगल ए ई डी, तो क्या होगा, ये भी आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि BC आपका पैरेलल है DE की, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, यानी कि ये एंगल भी क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जा रहा है तो दैट मींस क्या हो रहा है, इसको रफ करते हैं, जब दो एंगल्स आपस में इक्वल हो रहा तो मतलब क्या, एंगल एंगल जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल था उससे क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, आपस में दोनों आपके जो ट्राइंगल्स है ये क्या हो रहा है, आपस में आपका सिमिलर हो रहा है, यानी कि देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ऐसा हो रहा है। रीजन क्या देंगे, ए ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ओके, ए ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हुआ, आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया दोनों ट्राइंगल। अब जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी विल बी इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, यानी कि ए बी ये कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आपके साइड से। रीजन हम क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये मेरे को पता है, अभी हम जस्ट पढ़े थे। तो क्या होगा, ये मेरा ए बी आपका इक्वल हो जाएगा ए सी का। अब जो ए बी है मेरा, ये पार्ट है क्या, एक्चुअली ए बी और डी बी से ऐड करके बना है, हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस डी बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए डी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी भी उसी तरीके से ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमको पता है, अलग अलग हम लिख सकते हैं, एडी डिवाइडेड बाई ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए ई प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई, ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होगा तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये प्रूफ करना मेरे को, ठीक है, ये प्रूफ करना मेरे को। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वन प्लस डी बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू वन प्लस ई सी डिवाइडेड बाई ए ई। अब ये वन इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, वन वन को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो बचेगा क्या, डी बी डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाई
ए ओके ए ई। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। और यही चीज क्या करना था, प्रूफ कर देंगे ए डी डिवाइडेड बाई डी डी, इसलिए हम इसको रफ नहीं किए थे, ठीक है, जो प्रूफ करना था उसको रफ नहीं किए, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी और ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी एंड ए डिवाइडेड बाई ई सी। और ये चीज मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि मेरा हो गया। ओके नीचे रफ कर दे इसको, तो यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसको क्या बोलेंगे हम, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम मतलब याद होना चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप, और ये श्योरली है कि एग्जाम में आता ही है, 90% चांसेस आएगा ही आएगा, और इसी तरीके से आपको बनाना है। ओके सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हो, टुमारो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर सिमिलैरिटी। ओके और भी बहुत सारी चीज पढ़ने हैं इस चैप्टर में, मुझे अभी तो स्टार्ट हुआ है। सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ऑल स्कॉलर्स। And download our app, that is cscsindia.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos. Thank you so much guys. Goodbye and take care.